पॉलिटिक्स के अंदर समटाइम्स आपको पता होता है कि आप पॉलिटिकल फैसले, देखिए 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का ने वो तारीख रखी थी, अगर उस दिन भी वो ऑर्डर करते तो जून जुलाई अगस्त से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता ये था। जो इलेक्शन वाली बात है, दिस इज अ डिफरेंट एलिमेंट। दो तीन क्वेश्चन है कि जब ये मुजाकरात हो रहे थे, याद है ना, यहाँ पे परवेज लाई साहब का घर में घुस के इधर नहीं लाहौर लाहौर में कोशिश की गई थी। सो मेरी बात हुई पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों से, वो मुजाकरात हो रहे थे उस दौरान, मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है, बिकॉज आपके तो लोगों को पकड़े जा रहे हैं, आप लोगों के लोगों को जेल में डाल रहे हैं, परवेज लाई साहब का घर तोड़ के घुस गए, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर बिकॉज यहां मुजाकरात हो रहे हैं उधर ये हो रहा है, ये क्या? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अच्छा जी इतने आराम से हुकूमती इत्तेहाद कहे कि हम इलेक्शन में चले जाते हैं, जब खान साहब भी सिस्टम के अंदर है, 9 मई भी नहीं हुआ, उनका वोटर भी इंटैक्ट है, उनका सारे पार्टी टिकट्स वाले भी बड़े चार्ज्ड अप है, तो ठीक है हम क्या करते हैं इलेक्शन के ऊपर इनकी तमाम शरायत मान लेते हैं और हम इलेक्शन में चले जाते हैं और खान को स्वीप करने देते हैं इलेक्शन। डस दिस मेक सेंस टू यू कि भाई इस इकोनॉमी के इन फैसलों में जहां आईएमएफ के साथ डील नहीं हो रही, जो भी करना है उसका फॉलोआउट हमने जाके इलेक्शन में उठाना है, हम कहते हैं कि ये बस डेट मान लेते हैं। मेरे नजदीक ये बदनीयती डेट मान के सुप्रीम कोर्ट में जमा करा। माय पॉइंट इज के ये बदनीयती पे मबनी था पूरा काम, बट मैं फिर भी कहती हूं कि पीटीआई को ये मानना चाहिए था, उनका ब्लफ कॉल करना चाहिए था, उसको ऑन रिकॉर्ड ले जाना। सो इस पूरे इशू के ऊपर मेरी ये पोजीशन है, आई थिंक कि वो ब्लफ कर रहे थे, ऐसा होना नहीं था, लेकिन पीटीआई शुड हैव नोन बेटर, उनको बैकफुट पे कर देते, उनके खाते में जाता ये काम खराब करने का। दूसरा, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती, कैसे मैं बार बार कह रही हूं, उनकी एक ही बड़ी गलती है, उन्होंने सियासतदानों से बात नहीं की। आज भी वो सियासतदानों को वो डिस्काउंट्स देने को तैयार नहीं है, उनके लिए वो रहमदिली का जज्बा पैदा करने को तैयार नहीं है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। हालांकि एक साल के अंदर क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उनके चेयरमैन के साथ, लेकिन इस वक्त वो कहते हैं मैं फिर भी उनसे बात करूंगा, क्या फिर वो कहते जी कि क्योंकि वो सारे फैसले करते हैं। माजी के अंदर इस मुल्क में बहुत दफा तमाम सियासतदानों ने अपने एलायज बनाए हैं, सिस्टम में से रास्ता निकाला है, पीछे धकेला है दूसरी गैर सियासी कुवतों को, वो वापस आए हैं। 2008 इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, मिसाके जमहूरी की बात पे अमल हुआ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन रूम बनता है, मनूवरिंग बनती है, आप अपने एलाइज बनाते हैं और वो सियासी होते हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासतदान हमेशा आपको कोई ना कोई सियासी रास्ता देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जिन्होंने जो आपको खत्म करना चाहते हैं, जो आपसे इलेक्शन नहीं जीत सकते, अगर ये आर्गुमेंट मान ले फिर वो आपको रास्ता क्यों देंगे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर पहले से हो रहा होता तो शायद रास्ता बन जाता। मेरा ख्याल आखिर टाइम पे आगे सिर्फ अपने मफाद का इलेक्शन लूंगा, कोई पीछे नहीं हट सकता ना, कोई पीछे मैं इलेक्शन ले लूंगा वो भी शायद मुश्किल होता। मुनीर फारूक साहब, तरीके इंसाफ आज से जैसे हमने पहले बात की, जिस तरीके से उनका एक रिकॉल वैल्यू की वजह से वो दोबारा खड़े हुए, ऐसा लग रहा था पंजाब इलेक्शन देख लें, दूसरे जिमनी इलेक्शन देख रहे हैं, इलेक्शन तरीके इंसाफ का है एंड 9th मे चेंज्ड ऑल दैट, व्हाट डू थिंक वाज, क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए बहुत से लोग कहते हैं असेंबलियां से इस्तीफा देना गलत था, कोई कहता है असेंबलियां तहलील करना गलत था, वेयर डू यू थिंक दे वेंट रॉन्ग? इस सारे मामले के अंदर जो मैं समझता हूं कि मिसकैलकुलेशन है, मैं गलत हो सकता हूं, बट मैं समझता हूं कि जो मिसकैलकुलेशन थी, जो कि मुझे समझ नहीं आती कि चेयरमैन पीटीआई जैसा बंदा जो कि खुद एक दफा चले जैसी तैसी भी सही गुजार चुका था प्राइम मिनिस्टरशिप, और खास तौर पे मैंने वही कहा ना, सर झूठ रेलेवेंट नहीं है, जब ये पता लग गया हो, उसका टेस्टमेंट भी सामने आ गया हो कि भाई बंदा हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, तो आपको किस हकीम लुकमान ने मशवरा दिया था कि आप जाके मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटी है उनके साथ पंगे लेना शुरू कर दे? अच्छा चले ले लिए, बाजवा साहब के साथ ले लिए, उनको नाम भी धर दिए, सब कुछ कर दिया। मुझे फ्रॉम द आउटसेट इस बात का अंदाजा था, मैंने कहा यार ये बैकफायर करेगा, मुझे इस बात का, अगर मुझे पता है एज अ कॉमन पाकिस्तानी कि ये बैकफायर करेगा, सो व्हाई डजंट दिस जेंटलमैन नो, ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई डजंट ही नो? तो आपका ख्याल है फ्लर्टिंग विद दीज आइडियाज ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इमरान खान? बड़ी बड़ी क्लियर बात है इसमें, कोई देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, कैसा एंड तक जो कहते हैं ना हर जगह का जोर लगाया कि यार ये काम नहीं होने देना, हो गया। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि चलो यार अब हो गया है तो अब किसी तरह मेरे हालात सब ठीक हो जाए, वो हालात ऐसे ठीक नहीं होने थे और ना हुए नवंबर में। तो ऑनेस्टली नवंबर के बाद मैं बहुत से लोगों ने अलाउ मी टू से, हमारे बहुत से कोलीग्स ऐसे हैं आपके साथ भी हैं जिन्होंने विदाउट इवन नेमिंग भी कह रही है क्या फजूल बातें कर रहे हैं, मैं कहता रहा कि इमरान खान को सियासी तौर पर राइट ऑफ किया जा चुका है, ही इज नॉट इमर्जिंग अगेन एनी टाइम सून। सो मैंने कहा कि यार ये अगर मुझे पता है कि उनको राइट ऑफ किया जा चुका है फॉर ऑल दीज थिंग्स, व्हाई डजंट ही नो? ऑफ कोर्स ही न्यू अबाउट इट। अब मसला ये है कि फिर उन्होंने कहा कि मैं एक और काम करता हूं, मैं, मेरे साथ लोग हैं,
मैं इनको इतना रायल अप करता हूं और इतना अपने साथ बढ़ाता हूं कि यार ये तो मिथ मुझे सारे कह रहे हैं कि भाई टूट चुका है, मैं इतना मकबूल हूं कि मेरी मकबूलियत तो ओवर पावर कर देगी किसी भी ग्राउंड रियलिटी को। दैट्स वेयर ही एक्चुअली वेंट रॉन्ग। सो ये मिसकैलकुलेशन हुई आपके ख्याल? हाँ ठीक।